ओम शांति। आज 6 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। यह पुण्य आत्मा बनना है तो बाबा को याद करो, याद से खाद निकलेगी और आत्मा पावन बनेगी। अब बाबा जब हमको ज्ञान देते हैं संगम पर, तो हमको समझ मिलती है कि पुण्य कर्म कैसे हो सकते हैं। पहले तो हमने पुण्य किए ही नहीं, पहले तो दान पुण्य को ही समझते थे, वही पुण्य है। लेकिन अब जब बाबा के बनते हैं तो बाबा ज्ञान देता है कि पुण्य कर्म वे हैं जो देही अभिमानी स्थिति में रह करके तुम औरों के कल्याणार्थ करते हो, वो पुण्य कर्म है। लेकिन ये पुण्य कर्म करने की शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति आएगी याद से। लेकिन याद भी कैसे ठहरेगी? आत्मा शिव बाबा को याद कर सके उसके लिए भी तो उसको साधन चाहिए ना, पुरुषार्थ चाहिए। तो जो खाद शब्द बाबा कहते हैं, खाद का अर्थ है अलॉय, गंदगी। तो गंदगी आत्मा से जब निकलेगी तब याद स्वरूप होंगे, और याद में जब हम होंगे तो हम पावन भी बन सकेंगे। इसको बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा बनना, और पुण्य कर्म करने के योग्य बनने के लिए खाद निकालना जिससे आप पावन बन सकेंगे। तो ये सारा रिलेटेड है याद से। रिलेटेड प्रश्न है कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते। ड्रामा की बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं, पता नहीं ये हमारा 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। अब ये बहुत डिटेल है, माइन्यूट डिटेल्स हैं। ये मेरा 84वां जन्म है या 82 है या 83 है, अब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। हमको एसेंसफुल बनना चाहिए, और एसेंस क्या है कि हमको देवता बनना है। क्या फ़र्क पड़ता है मेरा 84 है, 85 है, 83 है, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं है। मुझे देवता बनना है, यह है लक्ष्य। तो हमको सार को लेकर के आगे बढ़ना है, और सार ये कहता है कि अब तुम मनुष्य हो, इसके बाद का जो जन्म है वो देवताओं का ही है। तो देवता बनना है तो अभी पुरुषार्थ करना है, इसलिए दैवी गुण अभी धारण करने हैं। बाबा ने कहा कि भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वो किसने सिखाया था ये कोई नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते, मैं कल्प पहले भी आया था, जो कुछ पास होता है वो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। बाबा ने कहा कि देवता भी बनते हैं, अभी बनेंगे। इस चीज़ को आप पुनः वो लेंगे। जो कुछ पास होता है वो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस वो दादा को बाबा हिस्ट्री छुड़ाएंगे, रिपीट कर रहा है। फिर इन सब की परवरिश कराएंगे, यानी जो यज्ञ में हाँ, फिर से सस्टेनेंस हुई उसकी बात कर रहे बाबा हैं। ये साइकिल जो है ना, हमारा कल्प, उसके ऊपर निश्चय की बात को दोहरा रहे हैं कि ये एक बार नहीं हुआ है, ये कल्प कल्प होता आया है और अभी पुनः हो रहा है। फिर से कहते हो बाबा, हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। ये तो है ना, बाबा को पहचाना। पहचानने के बाद पिता का रूप तो हमको अनुभव हुआ। अब पिता क्या करेगा? बच्चे को पढ़ाएगा,
तो बाबा कहते हैं बाप का बनना अर्थात पढ़ाई का शुरू होना। बाबा ने कहा कि तुम सच्चा सोना, सच्चे जेवर थे। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान था। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है तो शरीर भी ऐसा तमोगुणी मिलता है। फिर बाबा ने याद के ऊपर कहा कि जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद ही मुख्य बात है। नॉलेज तो बाबा ने दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित हैं। बाबा नॉलेज देते हैं कि आधा कल्प जो है वो हमारा कैसा होता है, दूसरा आधा कल्प हमारा कैसा होता है। आधे कल्प में हम पावन होते हैं, दूसरे आधे कल्प में। हर चीज़ जो साइक्लिक है उसके चार भाग किए जा सकते हैं, साइकिल के चार भाग हो जाते हैं, जिसमें हाफ तिकल्प स्वर्ग है, हाफ तिकल्प नर्क है। हाफ तकल्प हमारी चढ़ती ये ज्ञान का काल है, हाफ तिकल्प भक्ति काल है। तो बाबा इस बात का हमको रियलाइजेशन देते हैं। और सच्चाई की बात तो ये है कि हम लोग आधा कल्प नहीं, बाबा की पढ़ाई से अगर आधा आधा हुआ तो क्या फ़ायदा। हम इतनी मेहनत करें और फिर आधा कल्प ही प्राप्ति हो, नहीं। बाबा कहता है कि तुम्हें पौना पौने से भी ज़्यादा सुख मिलता है। और अगर आप गौर करेंगे तो ब्राह्मणों का आज का अंतिम जन्म भी बहुत अच्छा है, मेजॉरिटी का ये जन्म, लास्ट जन्म बहुत अच्छा है। ऐसे गए गुजरे नहीं है। वो बाबा याद दिलाता है कि ये पढ़ाई का मदार है। बाबा ने कहा कि तुम सजनिया इस समय छीछी तमो प्रधान हो, उनको गुल गुल बनाकर ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड कहा गया है। बेहद का बाप ले जाता है तो उनका नाम क्या है? शिव बाबा। फिर बाबा बच्चों को जैसे पूरी नॉलेज दे रहा है। बाप समझाते हैं कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख तो हो न सके, ये बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, ये है बिल्कुल झूठ। बाबा ने ये बातें, दो ज्ञान की जो मूल बातें हैं कि मनुष्य ने तो जो आया सो लिख दिया ना, द्वापर युग में लिख दिया भी तुमने गलत काम किए हैं, इसलिए था वो 84 जन्म। और बाबा ने कहा था 84 जन्मों की कहानी को देखो, लख मना देखना, लख मना लाख भी होता है और लख मना लक्ष्य भी होता है। तो शिव बाबा ने कहा था 84 जन्म लेने का लक्ष्य रखो, एक जन्म भी हमारा कम ना हो। दूसरा कहा था 84 जन्मों की कहानी को देखो, समझो तुम आदि में क्या थे, फिर क्या बने, अब क्या बनना है। लेकिन लोगों ने पूरा न समझ सकने के कारण, जैसे आप देखिए कोई चीज़ होती है जो आप पर बीती हुई होती है, आप उसकी डिटेल कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, वर्णन कर सकते हैं। एक होता है दूसरे ने सुना है, आपका सुना और उसको वो वर्णन कर रहा है, फ़र्क तो हो जाएगा। कोई उसमें प्रश्न पूछेगा तो कहे भाई ये तो मैंने देखा नहीं, पूछा नहीं, तो अपने मन से बता देगा। तो इस प्रकार हमारे जो शास्त्र हुए उसमें जो ओरिजिनल वाणी रही है वो गुम हो गई है, इंटरप्रिटेशन उनकी वाणी की आई हुई है, जिस कारण ये सारा गड़बड़ घोटाला होता है। तो 84 लाख जन्म भी इसीलिए कहे, जब व्यक्ति बहुत अच्छे पुण्य की स्थिति में होता है और उसकी भेंट में जब वो कुछ पाप करता है तो कहते हैं बड़ा पापी है, बेचारे ने एक ही पाप किया होगा, बड़ा पापी है, क्यों, पुण्य उसका इतना है। तब बाबा कहते हैं कि लोगों ने उसकी सज़ा के लिए डिक्लेयर कर दिया, 84 लाख जन्मों में जा कर के फिर मनुष्य जन्म मिलता है।
अच्छा चलो वही 84 लाख योनि अब भोग करके आ गए, अब ये मनुष्य जीवन तो अच्छा होना चाहिए ना, ये मनुष्य जीवन तो और ही दुखी है। लोग क्या कहते हैं, इससे तो वो अच्छे पेट्स अच्छे हैं जिनके बर्थडे तो मनाए जाते हैं, अपन को तो कोई पूछता ही नहीं। आज भी लोग पेट्स के बर्थडे मनाते हैं। अगर वो शरीर छोड़ देता है पेट, तो उसकी 13वीं भी करते हैं। तो पशु अच्छे हो गए, गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या शान से उनकी वो होती है। कहते देखो ये भी हमारे परिवार का एक मेंबर है, इतना उनको महत्व देते हैं। अब आप सोचिए, इंसान का जीवन तो ऐसा है ही नहीं, ऐसे रहा ही नहीं, सड़क के किनारे घूम रहा है। तो बाबा कहता है कि ये जो है सब मनगढ़ंत बातें हैं। और फिर उस जब ऐसी 84 लाख योनियां कहेंगे, तो उनको फिट करने के लिए आयु भी तो कल्प की लंबी बतानी पड़ेगी, इसलिए कल्प की आयु बता दी 4 अरब 32 करोड़ पता नहीं कितने। तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना, इतना गोल घोटाला कर दो जो किसी में हिम्मत ही ना पूछने की हो कि 4 अरब 32 करोड़ की कहानी क्या है, परंपरा कह के हम छोड़ देते हैं। तो बाबा आकर के सब बातों का ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा कि बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुमको वर्षा मिलता है डाडे से, जब तक अपने को बीके नहीं समझेंगे तब तक वर्षा कैसे मिले। फिर कोई कुछ ना कुछ ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। ये बाबा कहते हैं कि जो अच्छे पुरुषार्थी हो तो टॉप पे चले जाएंगे, पुरुषार्थ करते हैं, अपने आप को लायक बनाते हैं, लेकिन जिनके भाग्य में नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो पढ़ाई भी तो थोड़ी बहुत ही करेंगे ना। इसलिए बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही हुई है, हर एक को साक्षी दृष्टा होके देखते चलो, जो आपका कर्म धर्म है वो करते चलो। आज का वरदान है, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे, लेकिन वो दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे हिलाए नहीं। साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर बैठकर देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आ जाता आता है, भय नहीं लगता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। वो राजयुक्त योगयुक्त बन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। उन्हें पहाड़ समान पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। जो अच्छी पढ़ाई वाले हैं वो हर बात में फिर सक्षम हो जाते हैं, उनको पढ़ाई भी डिफिकल्ट नहीं लगती है और परीक्षाओं को भी वो बड़े प्यार से देते हैं। परीक्षा आई पास कर लिया, क्योंकि अच्छा पढ़े हैं। अच्छा पढ़ना माना अच्छी धारणा की है, बाबा से योग है, बाबा से मदद लेना आता है, अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करना आता है, तो वक्त पर साथी भी मदद करते हैं। ये सारा मदार हमारा इस पर है। तो जो बाबा ने संपन्नता की बात कही है, तो संपन्न केवल हमको यूं नहीं कि हम अपनी ज्ञान में संपन्न हो जाएं, योग में नहीं, व्यवहार भी है, सब चीज़ है, तो उसमें संपन्न बन। स्लोगन है, परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। साक्षी होकर के देखो सब परिस्थितियों को, आपको पार करनी है तो आप एक्ट में तो हैं, लेकिन आप एक्टिंग ऐसे करिए जैसे कोई दूसरे की एक्टिंग हो रही है। अगर खुद को करेंगे तो आपको लगेगा। कई बार हमने देखा है कुछ वॉइस रेज भी कर लेते हैं, लेकिन अगले सेकंड वो बिल्कुल ही ठंडे दिखाई देते हैं, वो उनका रूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमने पार्ट प्ले किया बस, असल में तो हम शांत स्वरूप आत्मा हैं। फिर उसमें वो आ जाते हैं।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे हमें व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।